सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों का अगस्त 2019 का महीना कैसा जाने वाला है। लग्न भाव में कोई ग्रह नहीं है, लग्नेश शनि जो है एकादश भाव में केतु के साथ विराजमान होने के कारण फटका इनकम होने की संभावना अब भी बनी हुई है। अचानक से कोई धन आपको प्राप्त हो सकता है, स्पेशली कोई पेंडिंग पड़ा हुआ पैसा या किसी को आपने उधार दिया हो वो पैसा आपको मिलने की संभावना बनी हुई है। दूसरे स्थान पे कोई ग्रह नहीं है, द्वितीयेश दशम भाव में विराजमान है, तो काम जितना अच्छा करेंगे पैसा उतना अच्छा आएगा, इसलिए काम पे ज़्यादा फोकस कीजिए। तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, तृतीयेश मंगल जो है वो विराजमान है छठे भाव में, तो ऐसी स्थिति में आप अपने शत्रुओं का सर्वनाश कर सकते हैं अगर आप अपने पराक्रम को सही दिशा पे लगाएं। भाई या बहन के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है, चतुर्थेश शुक्र जो है वो छठे भाव में विराजमान है, तो घर में किसी बात को लेकर माहौल गर्म हो सकता है, तो ऐसे माहौल को अवॉइड कीजिए। पंचम भाव में राहु और बुध विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में आपकी बुद्धि तो सातवें आसमान पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही तीक्ष्ण और तीव्र बुद्धि के मालिक बने हुए हैं, ये पूरा महीना आप बहुत सही डिसीजंस लेंगे जिससे आपके बहुत सारे काम बन सकते हैं। विद्यार्थी गण अपना सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस दे सकते हैं, मेमोरी आपकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। छठे भाव में षष्ठेश चंद्रमा शुक्र सूर्य और मंगल विराजमान होने के कारण शत्रु आपके पीछे षड्यंत्र रच सकते हैं या फिर आप कोई नए शत्रु बना सकते हैं, इसलिए जो भी शत्रु बने या आपके पुराने शत्रु हैं उनको बिल्कुल आंखों के सामने रखिए, यानी उन्हें ज़्यादा नज़दीक रखिए ताकि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र ना रच सके। सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, सप्तमेश छठे भाव में विराजमान हो गए हैं, तो ऐसी अवस्था में पत्नी से किसी बात को लेकर हमेशा बहस हो सकती है, इसलिए पत्नी को भी अपना कोई विशेष सीक्रेट ना शेयर करें। अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है, अष्टमेश बुध जो है वो विराजमान है पंचम भाव में पंचमेश होकर, तो ऐसी स्थिति में अपने बुद्धिबल का सही इस्तेमाल करें, अगर कहीं गलत इस्तेमाल हो गया तो आपका काम बिगड़ सकता है। नवम भाव में कोई ग्रह नहीं है, नवमेश शुक्र जो है वो छठे भाव में विराजमान होने के कारण शत्रुओं से आपको नुकसान पहुंच सकता है, अगर आप अलर्ट रहें तो आप शत्रुओं का बैंड भी बजा सकते हैं। दशम भाव में गुरु विराजमान है, तो काम की जगह पर अच्छा दबदबा बना रहेगा, कभी कभी आप थोड़े से ओवर स्ट्रेस्ड भी हो सकते हैं, तो उसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। एकादश भाव में शनि और केतु विराजमान है, तो फटका इनकम होने की संभावना है, कोई पुराना डील फाइनल हो सकता है या कोई पुराना पेंडिंग पैसा आपको मिल सकता है। द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, द्वादशेश एकादश भाव में विराजमान होने के कारण विदेशों से इनकम होने की संभावना है, या फिर आपका मन थोड़ा नशा या नशे की आदतों में डूब के रहने का हो रहा है, तो नशे को हो सके तो आप दूर भगाइए अपने लाइफ से, तभी आप तरक्की कर पाएंगे। ओवरऑल ये महीना दो बातों का स्पेशल ध्यान रखना है, पहला अपने शत्रुओं को बिल्कुल आंखों के सामने रखिए, नज़दीक रखिए ताकि उनकी कोई हरकत आपको नुकसान ना दे, दूसरा अपने पत्नी का भी अच्छे से ख्याल रखिए। तो ये था कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों का अगस्त 2019 का महीना। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।